नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9x.com, द न्यूज़ 9x.com में आप सभी का स्वागत है। चुनाव की समाप्ति के बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो नेताओं की बयानबाजी कहीं बढ़ रही है, तो कई नेता चुपचाप बैठ गए हैं, जिसमें से चार बड़े नेता हैं जो चुनाव के बाद कहीं चुप या तो कहीं गुमसा हो गए हैं। इसमें से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद कहीं गुमसा हो गए हैं। कुछ दिन पूर्व राजद की इफ्तार पार्टी में तेज प्रताप यादव तो नज़र आए थे, परंतु तेजस्वी यादव नज़र नहीं आए थे। साथ ही साथ राबड़ी देवी इफ्तार पार्टी में जो कार्ड दिया गया था उसके नाम में राबड़ी देवी का नाम था। इसे देख मीडिया ने कई सवाल खड़े करने से मीडिया ने पूछा कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, साथ ही क्या राजद की कमान अब राबड़ी देवी चलाएगी। इन तमाम सवालों को राबड़ी देवी ने खारिज कर दिया। इस बीच तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी भी तबीयत खराब थी, परंतु मैं यहां आया हूं, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव की तबीयत खराब है, वे दिल्ली गए हैं। हालांकि जो भी हो, अभी वो मीडिया से काफ़ी दूर चल रहे हैं। अब दूसरा नाम अनंत सिंह का, आपको मालूम ही होगा कि वे मोकामा के निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने पूरे बिहार में अचानक ही कोहराम मचा दिया था कि वे मोकामा की सियासत को छोड़ मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे। ठीक उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा था कि अगर वे चुनाव हारते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि राजनीति में ललन सिंह से वे हार गए। इसके बाद वे मीडिया से काफ़ी बचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तीसरा नाम कन्हैया कुमार का, जो JNU के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो बात बात पर मोदी जी को घेरती थे। साथ ही वे किसी भी मुद्दे पर BJP को जोड़कर नया रूप दे देते थे। साथ ही साथ जब तक चुनाव में एक दिन परिणाम आना बाकी था तब तक उन्होंने जीत की बात कही थी। इनके सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फैंस हैं। इनकी जीत का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी, परंतु गिरिराज सिंह जैसे नेता के सामने कन्हैया दूध पीता बच्चा नज़र आया था। उन्होंने चुनाव परिणाम के एक दिन पहले लिखा था कि अगर यह जीत होती है तो यह बेगूसराय के बेटे की जीत हो। और अब चौथे चेहरे पर, जिनका नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। यह चेहरा पूरे सीमांचल में एक निखरता चेहरा था, परंतु पप्पू यादव के भाषण में तमाम नेताओं के प्रति खटास, साथ ही साथ वे अपने मुख से अमर्यादित शब्द का प्रयोग कर बैठ जाते थे, जिसके कारण जनता में काफ़ी रोष हो गया था, जिसके कारण उनके राजनीतिक करियर को जनता ने धराशाही कर दिया। साथ ही साथ कई जानकारों का यह भी कहना है कि पप्पू यादव अपने शब्दों पर अगर लगाम कर ले तो उनसे बेहतरीन नेता कोई भी नहीं हो सकता। परंतु अगर हम याद दिलाएं तो पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव में एक बार कहा था, अगर लालू यादव के पुत्र तेजस्वी या तेज प्रताप यादव चुनाव जीत जाते हैं तो वे अपना राजनीतिक करियर छोड़ देंगे। परंतु कुछ ऐसा हुआ नहीं। हम अपनी पूरी टीम के साथ यह कहना चाहते हैं कि नेता ऐसे बयान देते हैं तो वे ज़रा संयम और वफादारी रखें। ऐसे बयान में आपकी क्या राय है, हमें आप कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करें। शुक्रिया।